نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. तर्जुमा, आए हमारे रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम बना, हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम हो, हमें अपनी इबादत के तरीक़े बता और हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, तो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। रबिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल्उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अभी मैंने आपके सामने सूरह बकरा की एक दुआ की तिलावत की है, जो दुआ इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अल्लाह ताला से मांगी थी जब वो काबा की तामीर कर रहे थे। आज मेरी तकरीर का उन्वान है, सालेह औलाद की तमन्ना। यानी औलाद की ख्वाहिश तो वैसे तो हर इंसान करता है, तो अंबिया अलैहिस्सलाम सालेह औलाद की तमन्ना किया करते थे, जो इस दुआ से जाहिर होता है। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि उनकी औलाद सालेह हो। इसके कई वजूहात हो सकते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम सालेह औलाद को क्यों दुआ करते थे सालेह औलाद के लिए। इसकी कई वजूहात हो सकते हैं, मैं आपके सामने इंशाल्लाह दो वजूहात के बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो अंबिया अलैहिस्सलाम सालेह औलाद की दुआ करते थे और औलाद की दुआ करते थे, तो इसका एक वजह ये थी कि वो ये चाहते थे कि उनका पैगंबराना मिशन जो है उसको वो बरकरार रख सकें, उनकी औलाद में ऐसे सालेह लोग पैदा हों, ऐसे सालेह औलाद उन्हें पैदा हो जो उनके मिशन को आगे बढ़ा सके, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही होता था। इसीलिए आप देखेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ हमारे रब मुझे तू सालेह औलाद अता फरमा। इसी तरह से ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दं वअंता खैरुल वारिसीन, ऐ हमारे रब तू मुझे बेवारिस ना छोड़, तू बेहतरीन वारिस है। तो एक वजह तो ये है कि पैगंबर दुआ औलाद की दुआ इसलिए किया करते थे ताकि वो पैगंबराना मिशन को उनके आगे बढ़ाया जाए। हम लोग आज दुआ करते हैं तो सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हमारे औलाद हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, औलाद हमारी मदद करने वाली हो, लेकिन पैगंबरों का मिशन और उनकी दुआएँ कुछ अलग ही तरह की होती थी। इसी तरह से आप दूसरी वजह जब देखेंगे तो उनकी वजह यह होती थी कि उनकी औलाद जो है अल्लाह ताला की इबादत करने वाली हो। पैगंबर ये चाहते थे कि जिस रास्ते की तरफ वो लोगों को बुला रहे हैं, जिसकी तरफ वो दुनिया वालों को बुला रहे हैं, उनके औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की तरफ वो लोगों को बुलाए और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें। जैसे आप देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और अपने बेटे हाजिर अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब जंगल और बियाबान में उस वक्त उन्होंने छोड़ा था जहाँ पर आज काबा है, तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि रब्बी इन्नी अस्कंतु बिवादी गैरी ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम में रब्बाना लियुकीमुस्सला, ऐ अल्लाह मैंने अपने एक औलाद के एक हिस्से को यहाँ पर इस जगह पर वादी गैर ज़ी ज़रा में यहाँ पर जब मैंने बसाया है इसलिए है कि ताकि ये लोग नमाज क़ायम कर सकें। तो और मज़ीद वो दुआ करते हैं, रब्बी जलनी मुकीमुस्सलाती वमिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो नमाज को क़ायम करते हैं और हमारी औलाद में से भी। तो देखिए अम्बिया अलैहिस्सलाम का ये मकसद होता है कि जिस रब की वो दावत दे रहे हैं, जिस रब की तरफ वो लोगों को बुला रहे हैं और उसकी इबादत कर रहे हैं, शिर्क बुत परस्ती से लोगों को रोक रहे हैं, तो अंबिया अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि उनकी औलाद अल्लाह ताला की इबादत करे, लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाए और शिर्क बुत परस्ती से दूर रहे, उनकी ये ख्वाहिश होती थी और उनकी औलाद सालेह हो उनको ये बहुत बड़ी फिक्र होती थी। और यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश सिर्फ अपने औलाद के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी हुआ करती थी। जैसे इस आयत में, जैसे मैंने शुरू में दुआ पढ़ी उसमें ये बात, तो वो लोग दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ऐ हमारे रब हमारी नस्लों में से ऐसी कौम को उठा जो तेरी मुस्लिम हो, यानी आने वाली नस्लों की भी उनको फ़िक्र थी इसीलिए वो दुआएँ किया करते थे। यहाँ तक कि नहीं बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम का तो मकसद और इनकी ख्वाहिश यही होती थी, उनकी आरज़ू और तमन्ना यही होती थी कि सारी दुनिया के लोग अल्लाह ताला की हिदायत के रास्ते की तरफ आएं। तो इसीलिए वो अपनी औलाद को सालेह देखना चाहते थे ताकि लोगों को, सारे लोगों को, दुनिया के तमाम लोगों को वो अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाएं, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें। और वो ये भी दुआ करते थे अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कि उनको सालेह माशरा नसीब हो और जब उनको मौत आए तो ईमान और इस्लाम की हालत में ही मौत आए, इसीलिए वो ऐसी दुआएँ किया करते थे। वो चाहते थे कि सारे का सारा माशरा ये मुस्लिम बन जाए, अल्लाह ताला के इताअत करने वाला बन जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आप दुआ को देखेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ क्या करते थे, रब्बी हबली हुक्मा वल्हिकनी बिस सालिहीन,
ऐ अल्लाह मुझे हुक्म अता फरमा और मुझे नेक लोगों के साथ सालेह लोगों के साथ मिला दे। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दुआ किया करते थे, फातिर समावाती वल अर्ज अंता वली फि दुनिया वल आखिरा तवफ्फनी मुस्लिमा वअल्हिकनी बिस्सालिहीन। तो देखिए हमें भी अल्लाह ताला से यही दुआएं करनी चाहिए, अपनी औलाद के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए दुआएं करनी चाहिए और अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए कि हमें नेक और सालेह लोगों के साथ मिला, हमारा माशरा सालेह लोगों का माशरा हो और जब मौत आए तो मुस्लिम के हालत में हमें मौत आए। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे औलाद को हमारे आंखों की ठंडक बनाए। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बाना हबलना मिन अजवाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, आमीन या रब्बुल आलमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।